सास भी कभी बहू थी। अरे बहू, तू क्या मुझे बेवकूफ समझती है? क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? अरे तो और क्या करूँ, तू काम ही कुछ ऐसा करती है। पिछले एक हफ्ते से कह रही हूँ कि पिंकू दर्जी के यहाँ से मेरे कपड़े लिया, लेकिन तू है जो रोज मुझे बातों में घुमा के टाल देती है। अपने लिए सूट सिलवाने में तो बड़ी फुर्ती दिखाती है। अरे माँ जी, आप तो हर वक्त बस मौके की तलाश में रहती हैं और छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना देती हैं। वैसे भी उस दर्जी ने आपके कपड़े अभी तक नहीं सिले हैं, तो इसमें मैं क्या करूँ? अच्छा, मैं देख रही हूँ कि आजकल तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चपड़ 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 चल रही है। ये मत भूल, मैं तेरी सास हूँ और तू मेरी बहू। चल जा, चुपचाप जाकर बाथरूम में कपड़े धोआ, आज घर में बहुत काम पड़ा है। तेरे साथ बहस करके तो मेरा सर भारी हो गया है। मैं तो चली अपने कमरे में आराम करने। इतना कहकर कुकिला अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और सुधा बाथरूम में कपड़े धोने। एक दिन सुधा अपनी सास के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। ये लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। कोकिला जैसे ही खाना खाती है, खाने का स्वाद उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो भड़क कर अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तूने क्या मुझे गाय भैंस समझ रखा है जो ये घास फूस लेकर मेरे सामने रख दिया? अरे जरा दाल तो देख, बिना तड़के वाली दाल एकदम फीकी है। और ये सब क्या है? एक तो पिछले 4 दिनों से दवाइयां खा खा के पहले से मेरा मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है, ऊपर से तू ये सब मेरे लिए बनाकर लाई है। अरे माँ जी, आप भूल रही हैं, डॉक्टर ने आपको तीखा मसालेदार खाना खाने से मना किया है। अरे डॉक्टरों का क्या है, वो तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन तू क्यों डॉक्टर नहीं बन रही है? चल अब जा और मेरे लिए कुछ चटपटासा बनाकर ले आ। ठीक है माँ जी। सुधा किचन में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जब सुधा घर का काम कर रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही सामने अपनी दादी सास को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उनके पैर छूते हुए उनसे कहती है, अरे दादी जी, आप अचानक अंदर आइए। जीती रहे बहू, अरे तू तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। तभी वहाँ रमेश भी आ जाता है। दादी के पैर छूते हुए कहता है, अरे क्या बात है दादी, बड़े दिनों के बाद आपको हमारी याद आई। इस बार मैं आपको जल्दी वापस जाने नहीं दूंगा। हाँ। अरे तू चिंता मत कर, इस बार मैं यहाँ आराम से कुछ दिन बिता कर ही जाऊंगी। कोकिला कहीं नजर नहीं आ रही। तभी वहाँ कोकिला आ जाती है। पायला गुम्मा जी, सुमित्रा हंसते हुए कहती है। अरे कोकिला, कितनी मोटी हो गई है तू। लगता है तेरे चटोरेपन की आदत अभी तक नहीं गई। अच्छा सुन, मैं बहुत थक गई हूँ, जल्दी से मेरे लिए एक गिलास ठंडा शरबत तो ले आ। तभी कोकिला सुधा को शरबत लाने के लिए कहती है। ये देख सुमित्रा कोकिला से कहती है, अरे बड़ी चालाक है तू, मैंने तुझे शरबत लाने के लिए कहा और तू इस बेचारी सुधा को क्यों भेज रही है, हैं? वैसे भी इसकी हालत देखकर लगता है घर के सारे काम ये बेचारी अकेली ही करती होगी। फिर कोकिला शरबत लेने किचन में चली जाती है। उसी शाम, अरे सुधा बहू, मैंने यहाँ के शंकर भगवान के मंदिर की बड़ी तारीफ सुनी है, चल आज मुझे उस मंदिर के दर्शन करा ला। अपनी सास की बात सुनकर कोकिला कहती है, अरे आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ और आपको मंदिर लेकर चलती हूँ। अरे तुझसे किसने कहा चलने के लिए? मैं तो सुधा बहू को लेकर जा रही हूँ और तू भी हमारे साथ चलेगी तो घर में खाना कौन बनाएगा? एक काम कर, घर पर रह और हमारे आने तक मेरे लिए आलू के पराठे, दही और काजू बादाम डालकर बढ़िया खीर बना के रखना।
अरे सुधा बहू, जल्दी से तैयार हो जा, देर हो रही है, चल जल्दी कर, हम दोनों चलते हैं। थोड़ी देर के बाद सुधा तैयार होकर आती है और सुमित्रा को मंदिर दिखाने के लिए लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोकिला किचन में खाना बनाते बनाते अपने आप से बड़बड़ाती है, ये बुढ़िया इस घर में क्या आई है, मेरा तो जीना हराम हो गया है। जब देखो मेरी बहू के सामने मुझे नीचा दिखाने लगती है, इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आखिर मेरा नाम भी कोकिला है। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा और सुधा दोनों मंदिर पहुंचते हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद सुमित्रा सुधा से कहती है, बहू तेरी सास कोकिला की बातों का बुरा मत मानना, वो सिर्फ जबान से बड़ बोली है लेकिन दिल के बहुत साफ है। हमेशा अपनी सास को माँ समझकर उसकी सेवा करना एक बहू का यही कर्तव्य होता है। जी दादी जी। थोड़ी देर के बाद मंदिर से प्रसाद लेकर दोनों घर की ओर निकल पड़ती हैं। इस तरह सुमित्रा को उस घर में रहते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोकिला अपनी एक सहेली की मदद से अपने घर में एक नकली खत मंगवा देती है, जिसमें लिखा होता है कि कोकिला के ससुर जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। खत पढ़ते ही कोकिला की सास अपना सामान बांध कर वहां से जाने की तैयारी में जुट जाती है। सुधा उसे छोड़ने के लिए स्टेशन चली जाती है। अपनी सास के जाते ही कोकिला बड़ी खुश हो जाती है। अच्छा हुआ बुढ़िया चली गई, चलो आज से मुसीबत टली, अब इस घर में फिर से मेरा राज चलेगा। जब सुधा वापस घर आती है तो कोकिला उससे कहती है, क्यों सुधा बहू उस बुढ़िया को गाड़ी में बिठाई? मैं जानती थी वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली, इसीलिए तो मैंने नकली खत मंगवा कर उसे वापस भिजवा दिया, आखिर मेरा नाम भी कोकिला है। तभी सुधा कहती है, ये आपने ठीक नहीं किया माँ जी, आपको पता नहीं कि दादी जी आपसे कितना प्यार करती हैं। दादी जी तो आपकी कितनी तारीफ कर रही थी, मुझसे कह रही थी कि सासू माँ समान होती है, अपनी सास की खूब सेवा करना, और इतना ही नहीं उन्होंने आपके लिए ये कंगन भेजे हैं जो वो आपको देने के लिए गांव से लेकर आई थी। अपनी बहू की बातें सुनकर और अपनी सास के मन में उसके लिए इतना प्रेम देखकर उसकी आंखें भर आती है। वो अपनी बहू को गले लगाकर कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने अपनी सास और बहू दोनों को गलत समझा, मैं भूल गई थी कि सास भी आखिर बहू होती है। शिक्षा, हमारे रिश्ते कच्चे धागे की तरह नाजुक होते हैं, हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और अपने बड़ों के साथ हमेशा आदर से पेश आना चाहिए।